गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छे से हूँ। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। रात के बजे हुए हैं 2:45, और मैं इस टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। अभी थोड़ी देर 1 बजे आए हैं, तो बस गर्म पानी पिया है और साथ ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने दूसरा। तो गाइस, अभी हमें नींद नहीं आ रही थी मेरे को, तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना देती हूँ थोड़ा सा। और गाइस, अभी हम जिस एनिवर्सरी पे मिल गए थे, तो वहाँ पे हमें एक मिठाई का डिब्बा मिला था, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ खोल के कि उस डिब्बे में क्या है, दिखाती हूँ मैं आपको। तो जी गाइस, ये है वो डिब्बा मोंगा स्वीट का, और इसके अंदर है ये वाला बॉक्स स्वीट का। गाइस, ये है वो बॉक्स। अब इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ मैं आप लोगों के सामने ही। तो गाइस, इसके अंदर है ये वाली मिठाई, ये है मीठा से, ये बेसन बर्फ़ी है, ये खोया बर्फ़ी है, ये पेड़ा है, और ये सेब की शेप में ही कुछ बना हुआ है, और ये मेरे ख्याल से पान की, या सुबह टेस्ट करूँगी, अभी तो मैंने ब्रश कर लिया है गाइस। तो गाइस, ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है। मैंने आज लस्सी बनाई है, साथ में परांठी है, साथ में ये छोलिया आलू मैंने कल बनाया था दोपहर को, तो ये छोलिया आलू भी बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने इसी के साथ ही अपना ब्रेकफास्ट, मैंने कहा चलो इसी के साथ कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो गाइस, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और आप भी अपने अपने घरों में ब्रेकफास्ट करिए करिए आप बढ़िया बढ़िया। तो जी, अभी का सीन कुछ इस तरह से है कि मैंने ये चावल बनाने के लिए मतलब भिगो दिए हैं चावल, और मैं ये छोलिया वाला पुलाव बना रही हूँ। छोले और प्याज मैंने ये फ्राई कर लिया है, अब इसमें मैं ये चावल डाल दूँगी तो छोले वाला पुलाव बन जाएगा। तो आज दिन में कुछ नहीं बनाया था, मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ फटाफट से। ये बस आने वाले हैं, 3:30 बज गए थे, तो मैंने कहा चलो फटाफट गर्म गर्म यही बना लेती हूँ। फाइनली ये चावल बन गए हैं पुलाव वाले, छोले वाले, और वड़ी डाली है मैंने, छोले डाला, और साथ में ये चाय है, और ये इधर शिवम के भी आ गए हैं। गाइस, ये हमारे घर के नीचे शुक्र बाज़ार लगा हुआ है, देखो कितनी दूर तक। गाइस, फ्राइडे को इतनी रौनक लगती है हमारे घर के नीचे, सारी सब्जियां लगी होती है घर के नीचे। और गाइस, ये इधर हमारे चंदा मामा, पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं, ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। आज हाफ मून निकला है, आधा चंद्रमा निकला है आज। और गाइस, इतनी अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बस हल्की हल्की सी ठंडक है, बहुत अच्छा लगता है अभी इस टाइम बाहर खड़े होने में। और फ्राइडे को तो खास तौर पे, फ्राइडे मार्केट जब लगती है तो बहुत ज़्यादा रौनक लगती है। तो जी गाइस, कल हम अपने भैया भाभी के घर में गए थे, तो उन्होंने ये रसमलाई हमें दी थी, तो अभी मैंने इसको ओपन किया है, तो अभी एक एक हम लोग खाएंगे। तो गाइस, आप लोग भी खाओ। गाइस, ये अजीमा मैडम जी आई हैं मेरे सिर पे तेल लगाने के लिए, बहुत अच्छा तेल लगाती हैं ये, और हाथ पैर भी दबाते थे उन्होंने, तेल लगा दिया था, बहुत ही अच्छा लगाती हैं, मज़ा आ जाता है, और यही काम भी करती हैं हमारे घर में, बहुत अच्छी हैं ये, है ना अजीमा, अच्छी है ना, है ना? अच्छी है ना, अच्छी है। तो गाइस, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, मैंने सोचा अजीमा से भी मिलवा दूं। अजीमा व्लॉग देख रही थी मेरा, तो मैंने कहा चलो तुम्हारा व्लॉग भी बना लेती थोड़ा सा। देखो इतनी इतना अच्छे तरीके से कर रही है, इतने अच्छे तरीके से लगा रही है। तो जी गाइस, इधर की बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, और अलमीरा वगैरह भी मैंने अच्छे से सेट कर दी है,
ये मैंने वॉर्म वाली जो बेडशीट है वो मैंने हटा दी यहाँ से, सारी वॉर्म वाली जो है वो मैंने बेड में डाल दी है और वहाँ से सारी निकाल के अलमीरा में डाल दिया। और ये मैंने इनके कपड़े भी सेट कर दिए हैं अच्छे से, टी शर्ट्स वगैरह और शर्ट्स वगैरह निकाल दी हैं, और वॉर्म जो कपड़े हैं वो मैंने बेड में रख दिए हैं। और मिलते हैं गाइस, क्योंकि गर्मी हो चुकी है अब फुल। अब मुझे तो लगता है कि एसी वेसी के भी मौसम आने ही वाला है, पंखे तो चलने लग गए हैं फुल। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा भी डन, पूरे सांची दरबार की जय जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस अब है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और फिर से रूटीन स्टार्ट हो गया है सारा। ये मैंने आलू काट लिए हैं और साथ में ये सोए लेके आए थे ये फ्राइडे मार्केट से, तो मैंने ये भी कट करके धो लिया है। और ये आलू भी मैं अभी धो लेती हूँ अच्छे से, और फिर ये कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, और अभी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और गाइस ये सफाई वाली बिल्कुल घर को क्लीन कर गई है, बिल्कुल साफ़ कर गई है ऊपर वाले फ्लोर को, नीचे वाला भी कर गई है। अभी नीचे जाऊँगी तो नीचे का भी दिखाऊँगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर गई है सारा। और गाइस जो महक है उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो पढ़ाई कर रही है। महक बैठ के पढ़ो बेटा, ऐसे लेट के पढ़ाई नहीं होती। गुड मॉर्निंग बोलो गाइस को। राम राम। राम राम जी, राम राम। और कैसे चल रही है पढ़ाई हाँ? कितने एग्ज़ाम रह गए? और एक दो रह गए ना, एक कल होएगा और एक कल के बाद ना, कल के बाद एक रह जाएगा। उठ के बैठ के पढ़ो, आलती पालती मार के बैठ के पढ़ो। ऐसे पढ़ के नहीं, ऐसे ऐसे नहीं लर्न होता, उठ के बैठ के पढ़ो। शाबाश, उठो। हाँ गुड गर्ल, ऐसे पढ़ो और बोल बोल के पढ़ो, ठीक है? लर्न करो अच्छे से। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, चलो पढ़ाई करो आप, ठीक है? पढ़ाई करो आप। और मैं अभी थोड़ी देर में तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। कुछ खाने के लिए लाओ तो बता दियो क्या लेके आना तेरे लिए। एप्पल वेप्पल काट लाऊँ तेरे लिए? हैं, बता दियो फिर मेरे को, ठीक है? जब खाना हो तो, ठीक है? और गाइस ये बोल रही थी कि मुझे एंड करना है आज का व्लॉग, तो चलो गाइस हम यहाँ पे एंड करते हैं आज का व्लॉग। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, बाय। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है टू बी ग्रोवर 91 के नाम से, सब कर देना, तो उसको भी फॉलो जरूर करना है, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय।